आग में जाके जल जाओ। मैं जल जाऊंगी। कहेंगे पानी में डूब जाओ। मैं डूब जाऊंगी। रेल में डूब जाओ। अभी कूद जाऊंगी। सुनो बोलिए ना। अरे राजभोबा में क्या नहीं है दादाजी? ऐसा कौन सा खिलौना है? वो खिलौना का नाम तो सुनाइए। मैं बता रहा हूँ लेकिन राजभोबा में नहीं है। कहाँ है? चंद कंचन कुमारी यह तीन खिलौना कहाँ है? ये तीन खिलौना है दलकागढ़ में भरत सिंह के पास। क्या दलकागढ़ में? हाँ भरत सिंह के पास। भरत सिंह के पास में है लेकिन वहाँ कोई भी तो जाता नहीं है। नहीं दादाजी। जो जाता हुआ वापस आता नहीं है। क्या जो छतरी जाता है दलकागढ़ वापस वापस नहीं आता है? हाँ पोती ये तीन खिलौना के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। क्या मैं करूँगी? यहाँ से तुम्हें जाना होगा अपनी माँ के पास। तुम अपने माँ के पास में जाकर ये खिलौना फेंक दो। शुभतुमनि फेंक दो। उनसे बोलो कि माँ हमें जब तक चंदन चरखा मरवर बाजा कटक खिलौना नहीं मंगा दीजिएगा तब तक मैं जी नहीं सकती हूँ बच नहीं सकती हूँ नहीं तो तुम्हारे आगे मर जाएंगे। दादाजी अगर माँ को मैं बुला करके मैं सारी बात कहूंगी अगर मेरी बचन मेरी माँ नहीं लिखेगी तो मैं क्या करूँ? पोती अरे तुमने माँ का एक दुलारी बेटी है अगर माँ से तुमने जान मांग देगी तो तुम्हारी माँ तुमको जान देने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है दादाजी आप जो कहें मैं जा रही हूँ महल। माँ को बुला करके मैं सारी बात कहूंगी। हाँ। माँ खिलौना ला करके देगी मैं आंचल करूंगी अगर नहीं ला करके देगी मैं मर जाऊंगी। लेकिन है सुन हमारे नाम मारने कहिए कि दादा बगीचा में ये सब बात कहत को। आपका नाम मैं कहूंगी। हाँ? आपका नाम ए पगली अगर मेरा नाम तुमने बता दिया तो तीन खिलौना तुमको सपना में भी नहीं मिलेगा समझ गई? ठीक है दादाजी आपका नाम माँ को नहीं बताऊंगी। हाँ तुम जाकर के अपने माँ से ये तीन सामान मांग लो देखो तुम्हारा साल भर के अंदर में तुम्हारा तकदीर बन जाएगी तुम्हारा भाग सुधर जाएगी। इतना सुंदर खिलौना सुंदर। ठीक है दादाजी मैं जा रही हूँ। दादा यहाँ बसों या उड़िया के सारा यदा जेना जेना कहाँ बायो दादा पोती यो कंचन कुमारी ओय पोती यहाँ बसों ये तू कंचन सुबहमा लोटिये है के चलो के दुलारिया मैया सामना दादाजी ने बताया सही बात है। यह खिलौना से खेलने से मन नहीं लगती है। हाँ सखी मुझे चल सखी माँ को बोला करके मैं महान पूछूंगी अगर वह दूसरा खिलौना ला करके देगी दोनों सखी खुशी से खिलौंगी। हाँ सखी चल सखी चला 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 बहिनिया महला गए चले गए बहन
हाँ बा थोड़ा देर बैठ, पाँच मिनट मैं माँ माँ को बुलाती हूँ। माँ को सर पर कहूंगी क्या माँ बोलती है। ठीक है, मैं बैठ बैठ मैया है गया सुना ले सोना गेरा रनबा या गया या के तूला रे या गई बेटी कंचन दे है कुमारी ने कल पत्र तोहरा जदाई कल बोल जा पत्र हजार मारा कहूँ था गया थी नाना पर गया मैया बाकी का बस ये लिया ही गई चीज़
सारे सारे दिन तूने दोनों सखी सहेलियां मिलकर ये समाज की सारी सखी मिलकर तू जाती थी अपनी बगीचा में। हाँ माँ, सुप्ती मोनी खिलौनों से खेलने के लिए रंग बिरंगी खिलौना लेकर खेल उल कर जब आती थी, माल में जैसे पैर रखती थी तू चिल्लाते आती थी कि माँ माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। लेकिन आज तेरी दिल उदास देख रही हूँ, होंठों पे स्याही पड़ी हुई, ऐसी कौन सी बात है माँ? अगर कोई डिंगड़ा के बेटा तुझे कनखी चला गया है तो तू बता, मैं दोनों आंखें फोड़ दूंगी। नहीं माँ। कोई डायन की बेटी अगर तुझे नजर लगाई है, उस डायन की बेटी से मैं जाकर फरिया लूंगी। नहीं माँ, ना मुझे कोई कुछ नहीं कहा। तो फिर इतनी दिल उदास क्यों है तुम लोग? अगर तुम सुनने के लिए चाहती है, तुम तो सही बता रही हो, कोई बात है क्या? नहीं माँ। तो फिर तुम दोनों इतनी उदास क्यों है आज? मेरी बड़ी बहन बता रही है। किस चीज की कमी तुम लोग को पड़ गया है? एक मन के उदास ला गई छई, एक खिलौना के बेगर मैयो जान। खिलौना मन ने ला गई छई मैयो गे, हमारा बेगर खिलौना से रंग गे बिरंगा के बेटी खेला ना ते भोपाना बालियन गे दुलानिया रंग सोना बाला नहीं गया कई छाव कई मैया बोल रही है। अगर दुनिया में कौन सा ऐसा खिलौना है कि तुम उस खिलौना से नहीं खेलती है, लेकिन तू बोल रही है जब तक खिलौना लेकर नहीं देगी तब तक अंजल नहीं करोगी। हाँ माँ, मैंने सुप्ती मोनी खेलने के लिए गई बगीचा, दोनों सखी को दिल नहीं लगी। माँ मुझे ऐसा खिलौना है, वो तीन खिलौना है। तीन खिलौना? वो तीन खिलौना ला करके देगी तो मैं दोनों सखी खुशी से खेलूंगी, तब मैं अंतर करूंगी। भागे पगली, ये संसार जानता है कि बाबू रुदल सिंह का एकलौती भतीजी ये मोरी राज में है। जितना दिल से मैंने तुझे मानती है उतना दिलो जान से तेरी चाची तुझे मानती है। आइए आप माननीय महोदय हमारे लाल बाबा जी, लाल बाबा जी की ओर से शानदार मेरी बेटी को खिलौना से खेलने के लिए 51 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए। लाल बाबू बाबा जी को मेरी बेटी की ओर से उनकी चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता है, और मां पूरे पार्टी की ओर से एक परम पिता परमेश्वर की ओर से लाखों लाख उनकी चरण कमलों में बार बार मैं विनती करती हूँ। जय हिंद जय भारत। ऐसी कौन सी खिलौना है कि तुम खिलौना के बारे में इतनी बड़ाई कर रही हो? खिलौना का नाम सुनेगी? अगर तुम अपने मुखार बिंदु से निकाल देगी मुझे ये खिलौना चाहिए, इसी टाइम मैं अपने देवर को खबर करूंगा। जब देवर सुनेगा फोन अंदाज मोहती में पहुंचेगा, चाहे वो आकाश की तारा क्यों न हुए, वो तारा को तोड़कर तेरे कदमों में डाल देगा।
माँ वह खिलौना का नाम है चंदन चरखा कच्चा खिलौना मरवन बाजा। या तीन खिलौना है या तीन खिलौना ला करके मुझे तो मैं दोनों सखी मिल करके मैं अवश्य दरबार में खेलूंगी। ये चंदन चरखा मरवन बाजा हाँ कटक हिलोरा हाँ माँ अगे पगली ये कोई खिलौना थोड़ी है हाँ माँ ये सब खिलौना नहीं है बेटी ये तुम्हारी मन की भरम है। जब ये खिलौने के बारे में तुम्हारी माँ नहीं जान सकती है तो तुम कैसे इस खिलौने के बारे में जान रही हो? नहीं जानती तुम हाँ अच्छा माँ यह खिलौना कहाँ मिलेगा खुद तुम्हें जानती है। ये संसार में ये खिलौना नहीं मिलता है ना मैं कभी जानती हूँ ये खिलौना है। अगर तीन खिलौना ला कर ये तुम्हारी गलत फहमी है समझ गई ना नहीं ला कर दे सकती है बेटी दूला सोना कान चना भोजन करिए दोनों तब आई एक कल जोड़
मैं बार बार तुझे समझा रही कंचन कुमारी, और चित्ररेखा तुम्हारी बहुत अच्छी कर रही हो। यगे सोना गे मई योगे मो हे गे नहीं ते गे जा हरबा खे के गे मर बहु रंग गे महल में गे तू लूटा लाला साहा मिटा दे मैया गे तूनू गे बनिया तीनों गे खेलौना न दिलई छै दुनिया में बेटी गे मो के हो गे दुश्मन माता हलको गे हाय गे तो करो जीवन जमाई गे मारा बहु हर खाई चाहे तुम दोनों मर जा रेल में कट के या नदी में डूब के या चार खा के सोना रानी की कोई परवाह नहीं है। मुझे बार बार वार्निंग दे रही हूँ दोनों को कि ये खिलौना तीनों कहीं ना कोई संसार में नहीं देखी हूँ ना कहीं मिलता है, समझ गई ना। अगर भला चाहती तो दोनों मिलकर चल रंगमान में खाना खा आराम कर, सुबह फिर दोनों सखी सहेली समाज की गाँव की बस्ती के बेटी के लेके चल जाना। खिलौने ला करके नहीं दे सकती है, क्या नहीं क्या जीत कर रही, नहीं देंगे। मैं जीत कर रही हूँ, माता बुका रही तुम लोग उस टाइम से तो लग रही खिलौना दे, मैं दोनों से भी खेलूंगी। कहाँ से तुम्हें वो खिलौना, मैं जब जब खिलौने के बारे में मैं नहीं जानती हो, वो खिलौने के बारे में तू कर रही हो। अगर खिलौना ला करके नहीं देगी तुम्हारे सामने मैं सर पटक के मर जाऊंगी। मर जा, हाँ माँ मैं दोनों बहन मर जाऊंगी आपके सामने में जब तक। मर जा मर जा मर जा, एक नहीं एक खिलौना तब ही गे यज्ञ हमारा न यज्ञ चाहे यज्ञ जीवन के गामयिया के तोरा के साथ कथिले मरई छबेटी गे धरती पर फोरा के गई कपा मरई के ई पछा तो हर गे यही लौरा सोईना अब नहीं गे रसा मचाई के दही तू चित्र खा बैठी गे
बार बार समझा रही तू तू सोना रानी को नहीं मुझे कोई टाइम नहीं लगते तू बचा रही है इसको बचा रही है बता रही हूँ बार बार इसको समझा के घर ले चल क्या मां एक खिलौना नहीं ला के दे सकती है सोना रानी बेटी को मारने के लिए जानती है लेकिन सिर पर चढ़ाने के लिए नहीं जानती है समझ गई ना एगे माया ने तारेगा रहलो यज मैया जी हाल मर्जा ऐसी बेटी तुम रहोगे लत गई चल चल बेटी ने जानम मैले लाई सोना माके कोई थमे बेचो मेला ही कूला थोड़ी चला बाकाई मोहनी करा बेचा ऐसा ना नहीं बेटी के चाही चाहती तो सब जाके घर ले जाए क्या माँ कोई तो 100 बेटी नहीं है अरे मेरी भाई बुरी क्यों है तुम दोनों पूछती है मैं इस बात आगे वाले मन नहीं जानती तो कहाँ से खिलौना लेकर दूंगी मैं माँ मैं तुम्हें बहन को लालसा लगी है लाके दे दी माँ तेरे दिल में माया दरेक नहीं इसकी लालसा पुराने के लिए सोना ना नहीं इसे लाख से लाख खिलौना देगी ये अगर चाहेगी उड़नी जहाज मंगाने के लिए मैं मंगा दूंगी ये चाहेगी मारुति से खेलने के लिए मैं खेलने के लिए दे दूंगी ये नहीं ये हमारा नेने क्या क्या बही खेलो ना जो मई योगे जा देख इतनी मार पर फिर जीत कर रही है ए के पहते के करिया में डूबे के गे मरत कांचन कुमारी ने खेलो ना गेला दे मैया गे बेटी सब के गई चा लालसा मिटा दे मैया गे हाय मेरे दई दई बहु मैया गई मो
हरी बहु मैया गे महवी गे आइए चल जल्दी निकल निकल मैं इतनी बकवास नहीं चाहती चल जा क्या आराम कर घर में समझ गई आज से तुझे नाकाबंदी कर दू तू घर से बाहर कदम में रखेगी बुझ गई ना आज कर रही है मुझे चंदन चरखा करल करक हिटोरा मरवन बाजा चाहिए कल कहेगी मुझे रेल पर दौड़ने के लिए मैं इसे रेल पर दौड़ने के लिए जाएगी ऐसी ऐसी बेटी सोना रानी नहीं खोजती इतनी प्यार नहीं देती है समझ गई ना है गे माथी आगे बोरिए डलकई लारिया हाथ I'm